माइल शिक्षा शुरू ने कराया धर्म की संस्था है। आज के भगवान रूप में ऐसा कर्म रखें कि आगे भी ये प्रोग्राम इसी तरीके से सुचारू चलता रहे। आई आई अरे राजन हमारे बीच में मनीष शर्मा जी जो कि बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं बरेली के। मेरा अनुरोध है रूपी सुधीर गुप्ता जी से, क्षमा जैन जी से, शालिनी विद्यार्थी से इधर आ जाएं कृपया साथ में। रोटरी क्लब बरेली के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी इधर आ जाएं साथ में। क्षमा जैन जी आ जाए। मेरा नाम किशोर कटरू है, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी मंदिरों का। बताइए सर क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम में आना हुआ क्या करना चाहते हैं? एक कार्यक्रम में रोटरी अपने इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है और सेवा जो जन कल्याण के कार्य हैं इसी के लिए रोटरी बनी हुई है और रोटेरियंस जो हैं अपने आप को हमेशा आगे करते हैं इस तरह के जन कल्याण के कार्यों के लिए। और रोटरी का जो अपना तरीका है काम करने का, अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इसी की तरह का है कि समाज के दुर्बल कमजोर और जो निरीह लोग हैं उनके बीच में रोटरी जाके कार्य करती है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा। और ज़्यादा पूछेंगे तो और बता दूंगा। तो सर आज आप यहाँ पे आए क्या संदेश देना चाहते हैं बरेली के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं बरेली के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं बरेली के रोटेरियंस के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह के सेवा कार्य वो करते रहे हैं उसी तरह के सेवा कार्य करते रहें, नए नए आयाम कायम करते रहें और उन लोगों के बीच में जिन्हें उनकी बहुत ज़रूरत है उनके बीच में जाके कार्य करते रहें और अपनी पहचान बनाते रहें। रोटरी का अपना एक मुकाम है, पब्लिक इमेज है, उसको कायम रखें, बरकरार रखें। सर क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शान सिंह विद्यार्थी स्मारक ट्रस्ट जो कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी स्मृति में ट्रस्ट बनाया हुआ है। उस ट्रस्ट रोटरी क्लब बरेली और रोटरी क्लब बरेली हेरिटेज और मानव सेवा क्लब जो कि बरेली का सबसे पुराना सामाजिक क्लब है और साथ में कई चिंता मंच जिनके संयुक्त तत्वाधान में प्रोग्राम हर साल हम लोग करते हैं। इसमें हम हजारों लोगों को खिचड़ी भोजन कराते हैं, कंबल वितरित करते हैं और पुराने वस्त्र वितरित करते हैं। हमारे सभी सदस्य अपने अपने घरों से पुराने कपड़े लेके आते हैं, उन कपड़ों को इन लोगों को जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, जिनके पास साधन नहीं है गर्म कपड़ों का, उनको वो अपने गर्म कपड़े देते हैं, कंबल देते हैं। हम लोग यहाँ पर इस तरह की उनकी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए होता है कि हम लोग दान करें, दान की प्रवृत्ति अपने अंदर लाएं, दूसरे को देने की भावना अंदर लाएं, इसी का पर्व है ये मकर संक्रांति। इसी तरीके से हम लोग मकर संक्रांति के पर्व को हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंडलाध्यक्ष आज हमारे बीच में है। अभी कुछ समय पहले हमारे नगर विधायक डॉक्टर कुमार जी भी हमारे बीच में आए और उन्होंने इस शिविर का शुभारंभ किया था। उसके बाद शायद लगातार ही खिचड़ी वितरण चल रहा है हम लोगों का। हम जितने भी लोग यहाँ आए उनका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो आए, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।